इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सर्च ऑपरेशन ईडी की तरफ से संजय सिंह के घर पर किया गया था, अब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी घोटाले में ये बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मनीष सिसोदिया जो कि पहले से जेल में है, और अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह हमने देखा कि ईडी की टीम पहुंचती है और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आते हैं वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन मुश्किलें यहां पर संजय सिंह की बढ़ चुकी है। ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आबकारी घोटाले में ये अहम गिरफ्तारी हुई है, और जो आबकारी घोटाला है जिस मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है, और आपको बताएं कि करीब 10 घंटे तक संजय सिंह से पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद ईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि कई सारे सवालों की फेरिस्ट ईडी के पास थी जिनके जवाब नहीं मिल पाए प्रवर्तन निदेशालय को। ऐसे में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले चाहे हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान देखें या उनके ट्वीट्स देखें, वो कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के आबकारी घोटाले में ये अहम गिरफ्तारी, संजय सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है, और 10 घंटे की लंबी पूछताछ होती है जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। ये माना जा रहा है कि जो ईडी ने संजय सिंह से सवाल जवाब किए हैं उसके बाद संजय सिंह ने सही जवाब नहीं दिए हैं। जावेद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। जावेद, ये बड़ी गिरफ्तारी है संजय सिंह की, जो 10 घंटे पूछताछ हुई है, क्या ईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं थी इसी वजह से गिरफ्तारी हुई है, और क्या जानकारी अपडेट आपके पास? देखिए, संजय सिंह के सरकारी आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है, जो खबर आ रही है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। सिक्योरिटी यहां पर बढ़ाई गई है। आम आदमी पार्टी के हवाले से खबर आ रही है, हम आपको तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आगे की तरफ देखिए, पिछले दरवाजे पर जो कार्यकर्ता है वो आगे जा रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी की जो पार्षद है सारी का क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी तक तो सब लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, अभी तक बाहर नहीं लेके आए हैं, बाहर ही अब लोग दोनों तरफ लोग। सारिका चौधरी है पार्टी की पार्षद, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। सर मैम, एक बार क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या खबर मिल रही है आपको? रीना जी बताइए। अरेस्ट कर रहे हैं, यही खबर मिल रही है। देखिए, अरेस्ट कर रही है, ये भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर संजय सिंह के घर के बाहर, उनको भी ये खबर मिल रही है। और मैं आपको तस्वीरों में पिछले दरवाजे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, अर्धसैनिक बल है, उनको बढ़ाया गया है, पीछे का एक रास्ता है, यहाँ पर तैनाती है पिछले दरवाजे पर। तो ये लगातार अब यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। पिछले करीब 10.5 घंटे से यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है, पूछताछ कर रही थी, तमाम जो जरूरी फॉर्मेलिटीज थी वो कर रही है, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और गिरफ्तारी संजय सिंह की हो गई है। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद इस दरवाजे से या फिर मुख्य दरवाजे से कहीं से भी निकल सकते हैं। आप देखिए, गेट पर अर्धसैनिक बल के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। तो ऐसे में इस आबकारी नीति मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है सांसद संजय सिंह की। लगातार आम आदमी पार्टी ये सवाल उठाती रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया था कि इस मामले में 15 महीनों से जांच चल रही है, लेकिन कुछ नहीं मिला है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए पूरा जो कथित घोटाला है इसकी जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। और अब यहाँ पर आप देखिए, कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ, जो कि लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे, संजय सिंह को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। ये पूरा जो आवास है यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ, तो सिक्योरिटी बढ़ाई है। मैं दूसरे रास्ते की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इस यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है, ये देखिए यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जो जवान है वो आपको नजर आएंगे। ये देखिए,
यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ जमीन पर बैठ गए हैं धरने पर। ये देखिए कार्यकर्ता नहीं, अभी हमारे सांसद जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर सांसद जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरेस्ट कर लिया है। देखिए लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संजय सिंह के घर के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जावेद आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या दिनेश अरोड़ा को कल जिस तरीके से सरकारी गवाह बनाया गया, उनका बयान कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय सिंह के लिए गले की फांस बन गया हो? देखिए जिस तरह से करीब 10.5 घंटे से पूछताछ संजय सिंह से चल रही थी, अंदर तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे थे, ऐसे में अब गिरफ्तारी की जो खबर आ रही है कि ऐसे पहलू हैं जो ईडी इसमें जांच बढ़ाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो ईडी के आरोप हैं, जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, उनको खारिज करती रही है। ऐसे में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हुई है, जो कि सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है। चाहे वो राज्यसभा में हमने देखा हो, वो अभी सस्पेंडेड चल रहे हैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर जो बहस हो रही थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी किया जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो अभी आबकारी नीति मामले में जेल में है। लेकिन अब संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ रही है सामने, और ऐसे में बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और यही वजह है कि जो यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे अब उनका गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा और लगातार ये नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी देर में जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो कितनी देर में पूरी होती है, और संजय सिंह को लेकर कितनी देर में ईडी यहाँ से निकलती है। ठीक है जावेद, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजय सिंह के सरकारी आवास से, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है आबकारी घोटाला मामले में। इससे पहले आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है, और सत्येंद्र जैन जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी। जावेद अगर हम देखें तो इससे पहले संजय सिंह के करीबियों से भी पूछताछ हुई, संजय सिंह को ताइवान भी जाना था लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। देखिए बिल्कुल, उन्हें कार्यक्रम के लिए ताइवान जाना था लेकिन पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल पाया उनको, और आज सुबह ही ये खबर आई। संजय सिंह, सांसद संजय सिंह ने खुद बताया कि उनके घर ईडी पहुंच गई है, और सुबह 7 बजे से पहले ही ईडी यहां पर पहुंच गई है। और अब अगर अभी वक्त देखा जाए तो करीब 5:45 हुए हैं और अभी भी ईडी की टीम अंदर ही है और गिरफ्तारी कर ली गई है। और देखिए अब यहाँ पर जो एक डेवलपमेंट हमें नजर आया है, वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, उतनी सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर अर्धसैनिक बल जो है वो आपको जगह जगह नजर आएंगे, क्योंकि व्यवस्था रखनी होगी जब यहाँ से ईडी की टीम सांसद संजय सिंह को लेकर निकलेगी। ये देखिए किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नॉर्थ एवेन्यू 129 नॉर्थ एवेन्यू, जो कि संजय सिंह का एड्रेस है, यहीं पर ही पूछताछ सुबह से चल रही है। करीब 11 घंटे होने को हैं, अभी भी उनको अंदर ही रखा गया है। अभी जो गिरफ्तारी की खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के हवाले से खबर आ रही है, उन्होंने दावा किया कि जो अरेस्टिंग मेमो है उसको फिल कराया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर है दिल्ली की राजनीति के लिहाज से भी, आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बड़ा कद संजय सिंह रखते हैं, और पार्टी में जो लाइन होती है वो संजय सिंह, चाहे राज्यसभा में वो पार्टी के मुद्दे उठाने हो या फिर इंडिया ब्लॉक की जो बैठकें होती हैं वहाँ पर संजय सिंह दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी गिरफ्तारी ईडी ने आम आदमी पार्टी के एक नेता की है। तो ऐसे में जो लगातार सवाल उठ रहे थे, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही गिरफ्तारी की जा रही है, और उसी के मद्देनज़र अब यहाँ पर डेवलपमेंट लगातार बढ़ रही है। अब इंतज़ार है कि कितनी देर में ईडी संजय सिंह को लेकर निकलेगी। जी तो लगातार आपको हम अपडेट्स बता रहे हैं कि किस तरीके से आबकारी घोटाला मामले में सिसोदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं नई आबकारी नीति जावेद रोड़ा बनी हुई है आम आदमी पार्टी के लिए। और दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी,
मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के बाद ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है, हालांकि सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। देखिए लॉ विल टेक देयर ओन कोर्स, ये हम शुरू से कहते आ रहे, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हर बार की तरह अपोजिशन कुछ ना कुछ इसको अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे, राजनीतिक दंग देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दिनेश अरोड़ा है उन्होंने अपने कोर्ट के स्टेटमेंट में कहा अप्रूवर बन के कि अपना मनीष अपना संजय सिंह ने बुलाया और पैसे इकट्ठे करने की बात की, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, उनको पैसे चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बने उन्होंने बोला और अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई। तो मेरा कहना ये है कि बहुत सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को देना पड़ेगा। और ऐसा क्या कारण है, ये जो कहते हैं कि केस तो है ही नहीं, अरविंद केजरीवाल कई बार कहते हैं कि केस तो है ही नहीं है, तो आज भी मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई है। संजय सिंह का जवाब संजय सिंह की बात की बात आएगी, लेकिन मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट में बेल नहीं हुई है, सवाल साल से वो जेल में है इसी मामले के अंदर। लेकिन हरीश जी, इसके बाद भी आम आदमी पार्टी कह रही साफ साफ, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से किया जा रहा है। देखिए वो तो अपनी खींच उतारेंगे ना उनको, और क्यों नहीं है, वो सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर, सवाल उठा रहे हैं कोर्ट के ऊपर। माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल साल हो गया, लगभग साल होने को जा रहा है, बेल पर रिजेक्ट हो रही है। और आज की वर्डिक्ट, आज जो स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं इन चीजों के लेकर स्कैम के अंदर, तो क्यों ना पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को भी बनाया जाए, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। मेरा कहना यही है सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, अगर आपने स्कैम किया है तो आपको जेल में जाना ही पड़ेगा। संजय जी, आम आदमी पार्टी ये लगातार कह रही है कि वो डर गई, बीजेपी डर गई है आम आदमी पार्टी से, इसी वजह से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए ये सिर्फ भागने का तरीका है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि वो दिन दूर नहीं जब वो किंग पिन ऑफ दिस होल स्कैम अरविंद केजरीवाल, जो हम किंग पिन मानते हैं क्योंकि उनके बिना सहमति के नहीं हुआ है, किंग पिन ऑफ दिस अरविंद केजरीवाल विल बी ऑल्सो बिहाइंड द बार, तो हर बार वो भी गिरफ्तार जल्द होंगे, भारतीय जनता पार्टी का मानना है। जी हरीश जी, और ये भी है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब हो रहा है, ऐसे में वो चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर रहेंगे। रहे ना, किसने मना किया है, लेकिन जब वो प्रश्न उठाते हैं कि राजनीतिक पार्टी के दबाव के जरिए चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोले ना, इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा आम आदमी पार्टी के द्वारा कि आज लगभग साल होने को आया है, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। कोर्ट ने कई बार कहा कि ये मामला गंभीर मामला है और जो नाम आ रहा है प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं सच है, मनीष सिसोदिया की जाहिर है, और इसी को लेकर कार्यवाही भी हरीश जी की जा रही है। और ऐसे में अब अगला नाम मनीष सिसोदिया के बाद अब हम देख रहे हैं कि संजय सिंह का भी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जावेद का सीधा रुख कर लेंगे। जावेद, हम हरीश खुराना को सुन रहे थे, जाहिर तौर पर बड़े प्रदर्शन की बात आम आदमी पार्टी ने तब की थी जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी थी, क्या ऐसा ही हम आने वाले समय में भी देख सकते हैं, यानी कल देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल, दो बड़े डेवलपमेंट हुए थे जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, उससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, राजघाट तक मनीष सिसोदिया समर्थकों के साथ गए थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हुई थी, और उस वक्त भी हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे और दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे थे। अब सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता कि जब गिरफ्तारी की खबर आ रही है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी विरोध दर्ज कराएगी, और वो विरोध जो है आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनके घर के बाहर भी दिखाई दे रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी में संजय सिंह का वो कद है कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर किसी दरवाजे पर दिखते हैं तो सांसद संजय सिंह के दरवाजे पर दिखते हैं, देश भर से उनके पास कार्यकर्ता मिलने के लिए आते हैं, उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, और अभी भी देखिए वो समर्थन जताने के लिए कार्यकर्ता पिछले कई घंटे से यहां पर डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसको हमें समझना होगा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वो एक सांसद हैं। और जावेद रोकेंगे आपको, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है? संजय सिंह की गिरफ्तारी तो पहले दिन से तय थी, जिस दिन ये शराब घोटाला खुला था उसी दिन से तय था कि संजय सिंह गिरफ्तार होंगे, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी हैं और जो कल सरकारी गवाह बने, उन्होंने अपने पहले बयान में कहा था कि जब मैं अरविंद केजरीवाल के घर मिलने गया इस शराब नीति को लेकर, तो वहां संजय सिंह मौजूद थे। ये संजय सिंह ही थे जो दिल्ली के रेस्टोरेंट वालों को इकट्ठा कर रहे थे, उनसे पैसा उगाही कर रहे थे, रात के 3 बजे तक रेस्टोरेंट खोलने की सिफारिश कर रहे थे। ये संजय सिंह थे जिन्होंने शराब नीति में बदलाव किया,
तो ये काले कारनामे किए हैं कब तक बच सकते हैं? इन काले कारनामों की सजा तो मिलनी है। वीरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पहले भी कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिला है, पिछले काफी समय से ये छापेमारी चल रही है और ये राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। अरविंद केजरीवाल से पूछिए, वो आज सुबह भी कह रहे थे कुछ नहीं मिला, लेकिन पूरा का पूरा ट्रेल तो मिली है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी मिल रही है, इसलिए जंजीर बन रही है। अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, तो मनीष सिसोदिया की बेल क्यों नहीं करा ली इन्होंने? वो 7 महीने से जेल में क्यों बंद है? अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि ये सब लोग अरविंद केजरीवाल समेत इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कड़ियां मिल रही हैं, जंजीर बन रही है, और जंजीर का घेरा। के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे, इसलिए तो हम कह रहे हैं मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। तो ये आप सुन रहे थे, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का है। बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की शह पर ये सब हुआ है, आबकारी शराब घोटाला जो आम आदमी पार्टी की गले की पास बना हुआ है, हमने देखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, जमानत उनको आज तक नहीं मिल पाई है। इससे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, और उनके आवास पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, सड़कों पर तो वो उतरेंगे, लेकिन जावेद हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जावेद, जो बात हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी होती है और इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो सड़क पर उतरेंगे, राजनीतिक द्वेष से हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एक के बाद एक बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और जमानत जो दो पहले गिरफ्तार हुए हैं उनको भी नहीं मिली है। जावेद, आप सुन पा रहे हैं? जो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, आज उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। आज कई डेवलपमेंट जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुए हैं, बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया को की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में ही, और आज ही यहां सर्च के लिए पहुंची है। देखिए, दरअसल सर्च कही गई ईडी की तरफ से, इसको छापेमारी नहीं कहा गया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि सर्च के दौरान ही किसी की गिरफ्तारी कर ली हो। अब ये ईडी बताएगी कि आखिर संजय सिंह के खिलाफ ऐसा क्या मिला है, किन ग्राउंड पर गिरफ्तारी की है। जो जानकारी मिल रही थी वहां, उसमें संजय सिंह पर जो सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा बने हैं, उन्होंने संजय सिंह पर आरोप लगाया था और उसी के तहत सर्च यहां पर चल रहा था। तो ऐसे में अब क्या और ग्राउंड बनाए हैं गिरफ्तारी के, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि इसमें यह भी देखना होगा, क्योंकि सरकार में संजय सिंह नहीं है। दिल्ली सरकार में देखिए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में शामिल थे, पॉलिसी लेवल पर संजय सिंह का सीधे तौर पर दखल नहीं था। लेकिन अगर दिनेश अरोड़ा ने मुलाकात करवाई थी तो उस वक्त क्या संजय सिंह की क्या भूमिका थी, ये ईडी को अब बताना है। लेकिन अभी ईडी संजय सिंह के घर के भीतर ही मौजूद है, लगातार करीब 11 घंटे होने को है, सर्च चल रहा है, गिरफ्तारी की खबर आ रही है। ऐसे में ये बड़ी बड़ा डेवलपमेंट है। जावेद, बीजेपी तो ये कह रही है कि अगला नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, क्या इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? देखिए, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी शुरुआत से ही इस पूरे मामले को बहाना बनाकर, जो आम आदमी पार्टी लगातार ग्रो कर रही है, उसको रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को राजनीतिक द्वेष के लिए निशाना बना रही है। आज खुद अरविंद केजरीवाल ने बयान आया संजय सिंह के सर्च पर, उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों से अलग अलग तरह की जाँच चल रही है, लेकिन इसमें एक रुपया कहीं से ईडी नहीं ढूंढ पाई है, कोई मनी ट्रेल नहीं हो पाया है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है, और सिरे से आम आदमी पार्टी बीजेपी के तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। देखिए, लेकिन राजनीति में होता यह है कि जब आरोप लगते हैं तभी जो शीर्ष नेतृत्व होता है उससे इस्तीफा मांगा जाता है। आज भी बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा, मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग बीजेपी कर रही थी, आम आदमी पार्टी दफ्तर पर बीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ। तो ऐसे में आज कई बड़े डेवलपमेंट इस पूरे मामले को लेकर हुए, उसमें से बड़ा डेवलपमेंट यही था कि ईडी की टीम जो है वो सांसद और जावेद, ये डेवलपमेंट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कल ही वाईएसआर सांसद के जो बेटे हैं और साथ साथ दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया गया, लेकिन चार्जशीट में जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा के बयानों का जिक्र किया गया है, क्या चार्जशीट में चार्ज लगाए गए हैं, किस तरीके से भूमिका संजय सिंह की बताई गई है? देखिए, जो भूमिका संजय सिंह की जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये कि संजय सिंह पर मुलाकात कराने का आरोप है, जो शराब कारोबारी थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी और क्या उन मुलाकातों की वजह से क्या घोटाला हुआ है, ये ईडी को बताना है।
चूंकि संजय सिंह का इस पूरे मामले में संजय सिंह आरोपी नहीं है, जितने भी आरोपी बनाए थे शुरुआत में ईडी ने अपनी जांच में, उसमें कोई आरोपी संजय सिंह को नहीं बनाया था। उनका जिक्र चार्जशीट में जरूर आया था, इससे पहले संजय सिंह ने कहा था कि उनका नाम गलत तरीके से डाला। उसके बाद संजय सिंह ने समन जारी किया, संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने गलत तरीके से नाम डालने को लेकर माफी भी मांगी है, संजय सिंह ने कहा था। लेकिन अब संजय सिंह जब ये दो लोग सरकारी गवाह बने हैं, एक नए तरीके से फिर से संजय सिंह के घर पर सर्च के लिए ईडी पहुंचती है और करीब 11 घंटे से पूछताछ चल रही है और अब गिरफ्तारी की खबर आ रही है। तो ऐसे में अब नए तरीके से आम आदमी पार्टी को अपनी रणनीति बनानी होगी। क्या आम आदमी पार्टी कहती है, क्योंकि लगातार वो कहती आ रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ईडी और अपने ग्राउंड रखेगी गिरफ्तारी पर, ऑफिशियल ईडी के ऑफिशियल का आने का इंतजार करना होगा। देखिए हम और विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी गेट बंद है। देखिए ईडी के कुछ अधिकारी, देखिए सफारी सूट में जो आपको नजर आ रहे हैं ये ईडी के अधिकारी हैं। देखिए गेट जो बंद कर रहे हैं, लगातार सुबह से हम आपको इस पूरे मामले में अपडेट दिखा रहे हैं और आप देखिए अर्धसैनिक बल जो है यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि तो ये जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे थे दिनेश अरोड़ा, ये बीजेपी कह रही है कि काफी अहम कड़ी है और जो आरोप लग रहे हैं कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था, ये ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि जो सरकारी गवाह बने हैं उन्होंने ही संजय सिंह ने उन्हीं को मिलवाया था और उन्हीं के जरिए पैसा पहुंचाने का आरोप शुरुआत से ही लगाया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको शुरुआत से ही खारिज कर रही है, वो इसे राजनीतिक द्वेष बता रही है। लेकिन ईडी यहां पर पहुंची है, ये देखना होगा कि ईडी को ऐसा क्या मिला जो गिरफ्तारी की नौबत यहां पर आ गई है। ये ईडी को ही बताना होगा क्योंकि करीब 11 घंटे यहां जो सरकारी आवास है वहां पर आम आदमी पार्टी तो पॉलिटिकल वेंडेटा इसे बताएगी ही, लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना, खुद संजय सिंह मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचने शुरू हो गए थे, तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता वहां पहुंचने शुरू हो गए थे, क्या संजय सिंह के घर के बाहर इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो लीडरशिप है वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि लगभग समय वही हो चुका है, शाम को लगभग इतना ही समय था जब मनीष सिसोदिया के घर के बाहर तमाम नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है।